मुख्य निर्वाचन अधिकारी घनश्याम दास भूषण ने बताया कि गहोई समाज के 5 पदों पर निर्वाचन होना है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 5100 रुपये, अन्य पदों के लिए 3100 रुपये शुल्क रखी गई है। 27 सितंबर मंगलवार को फॉर्म 2 बजे से 5 बजे तक दिए गए, 28 सितंबर बुधवार को 2 बजे से 5 बजे तक फॉर्म शुल्क सहित जमा किए गए, 29 सितंबर गुरुवार को फॉर्म वापस की प्रक्रिया की जाएगी। अध्यक्ष पद के लिए 6 उम्मीदवार नरेश सर्वगी, प्रभुदयाल पहारिया, अनिल अमर, विनोद कनकने, सीताराम गौड़ा, बापू द्वारिका निखरा। उपाध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार राजेंद्र नगरिया, राकेश सेठ, हरिनिवास बिलैया। महामंत्री के लिए 3 उम्मीदवार सतीश बिलैया, पवन निगोती, राकेश कनकने। कोषाध्यक्ष के लिए 3 उम्मीदवार रामकृष्ण तिल विलासी, अशोक नगरिया, दाड़ी अशोक नोगरिया, मुनीम। संगठन मंत्री के लिए 2 उम्मीदवार योगेश कनकने, महेश नैना ने फॉर्म लेकर अपनी उम्मीदवारी पेश की। अब देखना खास ही होगा कि कितने लोग मैदान में रहते हैं और कितने लोग नाम वापस लेंगे। देखिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने क्या कहा। समाज का निर्वाचन चल रहा है, इसमें जो है आज कितने फार्म जमा हुए आप बताएं पूरी डिटेल। कुल फार्म 16 प्राप्त हुए हैं, जिसमें अध्यक्ष के 6, महामंत्री के 2 और कोषाध्यक्ष के 3, संगठन मंत्री के 3 और एक और कौन से रहे अध्यक्ष के 3। कुल मिला के 16 इस प्रकार से फार्म प्राप्त हुए हैं और 29 तारीख को 2 बजे से 5 बजे तक फार्म वापसी का वो रहेगा समय। उसके बाद अंतिम अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। 29 तारीख को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी और जैसा सबको ज्ञात है 2:10 को निर्वाचन अपना प्रारंभ होगा, समय 9 बजे से 3 बजे तक।